और देखिए अब खबर नोएडा से है। दीपावली पर शराब की कालाबाजारी रोकने के लिए आबकारी विभाग ने दिल्ली की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी है और दिल्ली में सस्ती शराब मिलने की वजह से इससे सटे इलाके नोएडा और गाजियाबाद से लोग राजधानी की सीमा पर स्थित वाइन शॉप पर शराब खरीदने पहुंचते हैं। इस पर नकेल कसने के लिए पुलिस ने तैयारियां कर ली हैं और पुलिस और आबकारी विभाग की टीम संयुक्त रूप से कार्रवाई कर रही है। इस पूरे फेस्टिव सीजन में दिनांक 20 तारीख से 5 दिसंबर तक लगातार विशेष प्रवर्तन अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय के आदेश से पुलिस प्रशासन एवं आबकारी की संयुक्त टीमों का गठन किया गया है। कुल 7 टीमों का गठन किया गया है जो लगातार अवैध मदिरा के विरुद्ध अभियान चला रही हैं और इसके अतिरिक्त हमारी मदिरा दुकानों की सघन चेकिंग की जा रही है। बॉर्डरों पर भी चेकिंग की जाएगी जोरा? हाँ, हमारे यहाँ बॉर्डर्स पे भी दो पॉइंट्स पे 24 घंटे की 8-8 घंटे की तीन टीमें लगातार वर्क कर रही हैं, जो संदिग्ध वाहनों की 24 घंटे चेकिंग कर रही हैं।